हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैंने आपके लिए ये एक न्यू डिज़ाइन बनाया है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे किसी भी कार्डिगन, जेंट स्वेटर या किसी भी टॉप में डाल सकते हैं। इसे डालने का तरीका मैं बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 31 फंदे डाले हैं जिसमें से मैं दो फंदे स्टार्ट में और दो लास्ट में सीधे बनाऊंगी, और 27 फंदों में हम तीन तीन फंदों का डिज़ाइन बनाएंगे। एक सिलाई मैंने उल्टी कंप्लीट कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम पहला वाला ये फंदा हम इस तरह से बिना बुना उतार लेंगे, दूसरे फंदे को हम सीधा बुनाई कर देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, ये तीनों फंदे हमने तीन फंदे एक साथ हमने उल्टे बुनाई करने हैं। सिलाई हमारी सीधी है लेकिन हमें ये तीनों फंदे उल्टे बुनाई करने हैं, इस तरह तीनों, और ये ऊन हमें पीछे रखनी है इस तरह से। अब हम इसको आगे लेंगे और इन तीनों फंदों को एक साथ हम बुनाई कर देंगे। अब फिर हम ये ऊन पीछे ले जाएंगे इस तरह, और फिर तीनों फंदों को हम एक साथ लेकर इस तरह एक साथ लेकर बुनाई कर देंगे। देखिए हम थोड़ा अपना ढीले हाथ से इसे बुनाई करना है। देखिए इस तरह हमारे ये तीन फंदे एक साथ घटे, जिसमें से एक फंदा रह गया, दो फंदे हमारे घट चुके हैं, एक फंदा हमारा ये साथ में ही बढ़ चुका है। फिर हम इस ऊन को पीछे ले जाएंगे, फिर तीनों फंदों को हम एक साथ बुनाई करेंगे इस तरह से। तीनों फंदों को हम एक साथ हमने बुनाई कर लिया, हमारे ये फंदे, एक फंदा हमारा ये बन गया, हमने पीछे से ऊन लेकर ये फंदा बना लिया, एक फंदा हमारा ये तीन फंदों को बुनकर ये बन गया। फिर हम ये ऊन पीछे ले जाएंगे इस तरह से, फिर ये तीन फंदे हम एक साथ लेंगे और तीनों को हम एक साथ बुनाई कर देंगे इस तरह। फिर ये हम ऊन पीछे ले जाएंगे और ये तीनों फंदों को हम एक साथ बुनाई कर देंगे इस तरह। हम इन तीनों फंदों को एक साथ बुनाई कर लेंगे इस तरह से। फिर हम इस ऊन को पीछे ले जाएंगे और इन तीनों फंदों को एक साथ बुनाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे अब ये दो फंदे बन चुके हैं, एक फंदा हमारा अभी भी कम है जो हमने उल्टी सिलाई पर बढ़ाना है। फिर हम इस ऊन को पीछे ले जाएंगे और इन तीनों फंदों को इस तरह बुनाई कर देंगे। ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह, फिर ये हम उन पीछे ले जाएंगे और इन तीनों फंदों को हम एक साथ बुनाई कर देंगे इस तरह। अब हम इस ऊन को पीछे ले जाएंगे और इन दोनों के लास्ट फंदों को हम सीधा बुनाई कर देंगे, एक दो। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये दो दो फंदे, तीन फंदों के दो फंदे ये बन चुके हैं। अब हमें वापस अपने तीनों फंदे बनाने हैं। देखिए उल्टी सिलाई पर हमें क्या करना है,
पहला फंदा हम बिना बुना उतार लेंगे, दूसरा फंदा भी हम उल्टा बुनाई कर देंगे। दो फंदे जो हमने लास्ट के सीधे बुने थे उनको हमने उल्टा बुनाई कर लिया। अब देखिए हम इस ऊन को इस सिलाई पर इस तरह से लाएंगे, इस तरह ऊपर से इस तरह से ले आएंगे और इस फंदे को, पहले फंदे को हम उल्टा बुनाई कर देंगे। फिर हमारा जो ये पीछे से ऊन लेकर हमने ये आगे एक फंदा बनाया था, इस फंदे को भी हम उल्टा बुनाई कर देंगे। देखिए वापस हमारे ये तीनों फंदे बन चुके हैं। फिर हम इस सिलाई पर ऊपर से ये ऊन इस तरह से नीचे निकाल देंगे। फिर हम ये पहला फंदा उल्टा बुनाई कर लेंगे, फिर हम अपना ये दूसरा फंदा बुनाई कर लेंगे। हमारे तीनों फंदे ये बन चुके हैं। फिर हम इस ऊन को इसी तरह से इस सिलाई पर इस तरह से लेंगे और इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुनाई कर देंगे। फिर हम अपने इस ऊन को इस तरह से लेंगे, फिर अपने दोनों फंदे हम ये उल्टे बुनाई कर देंगे। फिर हमने ऊन को इसी तरह से लेना है, फिर ये दोनों फंदे हमने बुनाई करने हैं। देखिए इस तरह, फिर हमने ऊन को इसी तरह से लेना है, फिर हमने ये दोनों फंदे अपने उल्टे बुनाई करने हैं। चार सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। देखिए दूसरी सिलाई है हमारी, बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। देखिए फिर हम इस तरह से ये ऊन लेंगे सिलाई पर, फिर हम अपने ये दोनों फंदे यहाँ से इस तरह से बुनाई कर लेंगे। फिर हमने ये इस तरह से ऊन लेनी है, फिर ये हम अपने दोनों फंदे यहाँ पर उल्टे बुनाई कर लेंगे और ये हमारे शुरू वाले फंदे जो हमने सीधे उल्टे ही बुनाई करने हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये दूसरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब सीधी सिलाई पर देखिए हमारा डिज़ाइन आने लगा है। अब सीधी सिलाई पर हमें सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट सीधी ही करनी है। पहला फंदा हम इसी तरह उतार लेंगे और इस पूरी सिलाई को हम सीधा ही कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये पूरी सिलाई हमें सीधी ही कंप्लीट करनी है। ये तीसरी सिलाई है हमारी। चौथी सिलाई जो हमारी उल्टी आएगी उसे भी हमें पूरा उल्टा ही बुनाई कर लेना है। देखिए अब हमारी ये तीसरी सीधी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या उल्टी सिलाई को भी पूरी उल्टा ही कंप्लीट करना है। पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और इस सिलाई को पूरा उल्टा ही कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी चौथी सिलाई है। चार सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। पांचवी और सीधी सिलाई जो हमारी आएगी उस पर हमें फिर से ये डिज़ाइन बनाना है। देखिए ये हमारी चौथी सिलाई उल्टी ही पूरी कंप्लीट की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये चौथी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और देखिए ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब हमें
सीधी सिलाई पर, और ये पांचवी सिलाई है हमारी। अब हमें फिर से यही डिज़ाइन बनाना है। देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बुनाई कर देंगे। दो दो फंदे हमने शुरू और आखिर में ये सीधे ही बुनाई करने हैं, सीधे और उल्टे। देखिए अब हमें ये ऊन पीछे ही रखनी है और सीधी सिलाई पर हमें ये उल्टे तीनों फंदे बुनाई करने हैं। ये ऊन हम पीछे रखेंगे तो एक फंदा हमारा इस ऊन का बढ़ जाएगा। देखिए इस तरह ये दो फंदे बन चुके। फिर हम ये ऊन पीछे ले जाएंगे, फिर हम ये तीनों फंदे फिर से उल्टे एक साथ बुनाई कर देंगे। फिर हम ऊन को पीछे ले जाएंगे, फिर हम ये तीनों फंदे एक साथ उल्टे ही बुनाई कर लेंगे। फिर हम ये ऊन पीछे ले जाएंगे, फिर हम ये तीनों फंदे बुनाई कर लेंगे। फिर हमें ऊन पीछे ले जानी है। इसी तरह से ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड, तीन तीन फंदों का ये हमारा डिज़ाइन है और चार सिलाई में कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। फिर ये हम ऊन पीछे ले जाएंगे, फिर ये हम तीनों फंदे एक साथ बुनाई कर देंगे, फिर ऊन पीछे लाएंगे, फिर ये तीनों फंदे उल्टे बुनाई कर देंगे, फिर ये ऊन पीछे लाएंगे, और ये दोनों फंदे हम सीधे ही बुनाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा दूसरा डिज़ाइन भी डलने लगा है। दूसरे डिज़ाइन की पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने उल्टी सिलाई में फिर उसी तरह से करना है जिस तरह हमने पहली वाले डिज़ाइन में किया था उल्टी सिलाई पर। देखिए पहला फंदा हम इसी तरह उतार लेंगे, दूसरा भी हम उल्टा ही बुनाई कर देंगे। ये दोनों फंदे हमने एक्स्ट्रा अलग रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये दो फंदे हैं, इसे हमारा एक फंदा और बनना है, तीसरा वाला। तो हमें क्या करना है, इस सिलाई पर इस तरह से ये ऊन ऊपर से नीचे को ले लेंगे, एक फंदा हमारा ये बन जाएगा और इन दोनों को हम उल्टा ही बुनाई कर देंगे। देखिए हमारे ये तीनों फंदे बन चुके हैं। फिर इस सिलाई पर इस तरह से ऊन नीचे ऊपर से नीचे को ले लेंगे और फिर हमने उल्टी, देखिए फिर हमें इन दोनों फंदों को उल्टा बुनाई कर देना है। फिर हम ये ऊन सिलाई के ऊपर से नीचे को लेंगे और इन दोनों फंदों को उल्टा ही बुनाई कर देंगे। फिर ये हम ऊन ऊपर से नीचे को लेंगे और इन दोनों फंदों को उल्टा ही बुनाई कर देंगे। ये दूसरी सिलाई हमारी पूरी इसी तरह से कंप्लीट होनी है। ये हमारा इस तरह से ऊन लेकर एक फंदा बढ़ जाएगा। फिर हम ऊन ऊपर से नीचे को इस तरह लेंगे और इन दोनों फंदों को हम उल्टा ही बुनाई कर देंगे इस तरह। फिर ये ऊन इस तरह लेंगे, फिर इन दोनों फंदों को हम इस तरह बुनाई उल्टा बुनाई कर देंगे। ये दोनों फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं, इन दोनों को हम उल्टा ही बुनाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये दो सिलाइयाँ इस डिज़ाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं, सीधी और उल्टी। अब हमें सीधी सिलाई पूरी सीधी ही कंप्लीट करनी है। पहला फंदा हम ये इसी तरह से उतार लेंगे और इस पूरी सिलाई को हम सीधा ही कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरी
पूरी सिलाई हमें हमारे इस डिज़ाइन की तीसरी सिलाई पूरी सीधी ही कंप्लीट करनी है। चार सिलाइयों का यह डिज़ाइन है और तीन फंदों का। देखिए हमारी इस डिज़ाइन की तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारा डिज़ाइन आने लगा है। अब इस डिज़ाइन की ये चौथी सिलाई हमें उल्टी पूरी उल्टी ही कंप्लीट करनी है। पहला फंदा हम इसी तरह से उतार लेंगे और पूरी सिलाई को हम उल्टा ही कंप्लीट कर लेंगे। इस डिज़ाइन की ये चौथी सिलाई है। अब की बार सीधी और पांचवी सिलाई जो आएगी हमारी, फिर से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। सिलाई को हमने इसी तरह पूरा उल्टा ही कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। देखिए ये हमारी इस डिज़ाइन की चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस सीधी सिलाई पर फिर से हम यही डिज़ाइन बनाएंगे। पहले के ये दो फंदे, पहला फंदा हम इसी तरह से उतार लेंगे और दूसरे फंदे को हम सीधा ही बुनाई कर देंगे। अब हमने इन तीनों फंदों को सीधी सिलाई पर फिर से इन तीनों को उल्टा ही बुनाई करना है और इस ऊन को हमने पीछे ही रखना है। इस ऊन से हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा पीछे रखने से। देखिए फिर हम इस ऊन को पीछे पहुंचाएंगे, फिर इन तीनों फंदों को हम उल्टा ही बुनाई कर लेंगे। दो फंदे हमारे ये बन चुके हैं, तीसरा फंदा हम अपनी उल्टी सिलाई पर बनाएंगे। फिर से हम इन तीनों फंदों को एक साथ बुनाई कर लेंगे। सीधी सिलाई पर ये तीनों फंदे हमने उल्टे ही बुनाई करने हैं। देखिए फिर हम ये अपने ऊन को पीछे पहुंचाएंगे और इन तीनों फंदों को बुनाई कर देंगे। फिर ये हम अपने ऊन इसी तरह पीछे पहुंचा देंगे और इन तीनों फंदों को उल्टा बुनाई कर लेंगे। फिर ये हमारा ऊन पीछे, फिर ये तीनों फंदे हमें उल्टे बुनाई किए हमने और इस पीछे रखने से ऊन से हमारा ये फंदा बढ़ गया। फिर हमने ये ऊन को पीछे पहुंचाया और इन तीनों फंदों को देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पहली सिलाई इस डिज़ाइन की कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इस डिज़ाइन की दूसरी सिलाई उल्टी है और देखिए उसी तरह से ये सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, दूसरे फंदे को हम उल्टा बुनाई करेंगे और अब हम इस सिलाई पर इस ऊन को ऊपर से इस तरह से नीचे ले लेंगे और इन दोनों फंदों को उल्टा बुनाई कर लेंगे। फिर हम इस ऊन को इस तरह से इस सिलाई पर लेंगे और इन दोनों फंदों को उल्टा बुनाई कर लेंगे। फिर इस ऊन को इस तरह से इस सिलाई पर लेंगे, फिर इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। फिर इस सिलाई पर हम इस ऊन को इस तरह से लेंगे और इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से ये पूरी सिलाई हमें कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से हमने ऊन को लिया, इन दोनों फंदों को उल्टा बुनाई किया, हमारे ये तीनों फंदे कंप्लीट हो गए।
फिर उनको ऊपर सिलाई से लिया, फिर इन दोनों फंदों को हमने उल्टा बुनाई किया, फिर उनको ऊपर से लिया, फिर इन दोनों फंदों को हमने उल्टा बुनाई किया, फिर उनको ऊपर लिया, फिर इन दोनों फंदों को हमने उल्टा ही बुनाई कर लेना है। और ये दोनों फंदे हमें लास्ट के उल्टे ही बुनाई करने हैं। देखिए इस डिज़ाइन की हमारी ये दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सीधी सिलाई और इस डिज़ाइन की तीसरी, ये सीधी ही हमें कंप्लीट करनी है। इस डिज़ाइन की ये तीसरी सिलाई सीधी वाली हम पूरी सीधी ही कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये इस डिज़ाइन की तीसरी सिलाई सीधी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी चौथी सिलाई उल्टी भी पूरी उल्टी ही कंप्लीट होगी। इस सिलाई को भी हमने पूरी को उल्टा ही कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी डिज़ाइन की चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन आने लगा है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें, और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं।